आंटी से मैंने बोला था ना गोलगप्पे तैयार कर देना, तो मैं तो बाथरूम गई थी और आंटी ने पीछे से आटा लगा लिया। अब मैं आटा तो नहीं दिखा सकती आंटी ने कैसे लगाया, लेकिन आंटी बता सकती है कि किस तरीके से आटा लगाया है उन्होंने। तो मैं वैसे आप लोगों के साथ ना कभी आटा भी लगवा के दिखवा दूंगी आंटी से, है ना। तो अभी फिलहाल क्या कर रही हो आंटी? ये लोइयां तोड़ के रखी है उन्होंने और गीले कपड़े पे पता है इन्होंने आधा घंटा करीब छोड़ के रखा था आटे को, है ना। आटे को उसकी तब तक उन्होंने बाकी के काम खत्म कर लिए थे और फिर ये वाली छोटी छोटी पूरियां बना बना के अब तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर पानी पूरी बनने वाली है, पानी मैं बनाऊंगी, पूरी आंटी बना रही है हमारी गर्मा गर्म, देखते कैसी बनती है। और पूरी जैसा आटा लगाती हो कैसा लगा? पूरी जैसा, बिल्कुल पूरी कड़क कड़क। हाँ एक एक पानी पूरी फूल रही है। दोस्तों आप बिल्कुल भी नाराज मत होना, अगली बार मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, है ना आंटी, प्रॉमिस करो सबसे। बिल्कुल बिल्कुल आंटी हमारी ऐसी है जो प्रॉमिस कर लिया तो फिर निभाती जरूर है। देख वायदा कर लिया तो निभाना जरूरी है। हाँ तो अगली बार पूरी रेसिपी शेयर करोगी ना सबके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। पानी पूरी बनाना सिखा रही है आंटी, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छी बना पाऊँ। ये देखो वाह, ये तो बहुत अच्छी बनी है। ये चादर what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. मैं आज बनाने वाली हूँ अफगानी सोया चाप, तो उसके लिए ना कुछ तैयारी करके रख रही हूँ। यहाँ पर है बादाम, एक मुट्ठी काजू, 2 टेबल स्पून के करीब मेलन सीड्स, 2 टेबल स्पून ही इसमें मैं ले रही हूँ पॉपी सीड्स। पानी गुनगुना मैंने कर ही लिया था ऑलरेडी, वो इसमें डाल के मैं छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैंने अफगानी सोया चाप के लिए तैयारी करी है 3-4 प्याज थी हैं, यहाँ पर 4 हरी मिर्च ले लिए, अदरक ले लिए, लहसुन की खूब सारी कलियाँ ले लिए और धनिया पत्ती लेनी है। ज़रूरी नहीं आप बारीक काट के रखो, मेरा तो बारीक कटा हुआ था तो मैं ऐसे ही को यूज़ कर लूँगी। अफगानी सोया चाप बनाने के लिए सोया चाप ले लिए मैंने यहाँ पर, और अब इसको हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके मैं अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि इसे 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, इससे अच्छा मैरिनेट हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। तो यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड करूँगी इसी के साथ। पहले गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, सब मैंने 1 टीस्पून के करीब ले लिया है, ब्लैक पेपर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लिया था, सॉल्ट, कुकिंग ऑयल, पर जो मैंने पेस्ट बना के तैयार किया था वो भी इसी के साथ मिक्स कर देना है, लेमन। तो अब इसे ढककर मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ रही हूँ 40-50 मिनट के लिए। गुड आफ्टरनून गाइस, कितनी देर बाद आप लोगों से फुर्सत मिली है बात करने की। आज सुबह से काफ़ी बिजी थी, सुबह सुबह आंटी आ गई थी और उनको मैंने कल बोला था कि आप पानी पूरी की पूरी बना देना, लेकिन कल उनके पास टाइम नहीं था। तो आज सुबह जैसी वो आई फटाफट से पूरी बनाने के लिए लग गई अपने आप ही बिना बोले। तो जब तक वो पूरी का आटा लगा रही थी तब तक मैं बाथरूम में ब्रश वगैरह कर रही थी,
तो जैसे ही मैं ब्रश करके बाहर आई, उतनी देर में तो उन्होंने आटा भी लगा लिया था। तो पानी पूरी की जो पूरी वाली रेसिपी थी, आटा कैसे लगाया जाता है, वो सब तो मैं नहीं शेयर कर पाई। फटाफट से आंटी ने पूरी बनाई, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई। क्या कहते हैं, मटर पनीर की सब्जी बनाई। अभी अभी मैंने जो तैयारी करी है वो है अफगानी सोया चाप की। वो मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है, बस अब बनानी रह गई है, क्योंकि उसे 30-40 मिनट रखना था। वैसे अब तो 1.5 घंटा हो गया रखे हुए, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा। अभी बज रहे हैं 3:30 के करीब, 4 बजे के करीब बना लूंगी, सोच लो 4-4:30 पे तब भी बन जाएगी, क्योंकि सारी तैयारी है तो तुरंत तुरंत बन जाएगी। इसके अलावा मैंने सुबह सुबह ये बेडशीट चेंज करी अपनी और कशिश के रूम की, तो फिर सफाई, यही सारे काम जो होते हैं, फिर नहाना, फिर पूजा करना, उस सब में टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वैसे बाय द वे आज ना मम्मी पापा घर पे आ रहे हैं, मिनी दीदी भी घर पे आ रही है, और पता है काफी टाइम बाद आ रहे हैं मम्मी पापा। राहुल जी के बाद पहली बार आ रहे हैं। तो मैं बोलकर आई थी ना, आपको पता ही है, लास्ट वीकेंड हम लोग बोलकर आए थे कि मम्मी पापा आप लोग आना। तो फिर मैंने कल फोन वगैरह किया था, तो मम्मी बोल रही थी हम आ जाएंगे, तो मैं उसमें उसी की तैयारी कर रही थी, थोड़ा कुछ अच्छा सा डिफरेंट बनाने की। मटर पनीर तो खैर मम्मी पापा ने कई बार खाया हुआ है, लेकिन अफगानी मलाई सोया चाप कभी नहीं खाया है मेरे हाथ का। और प्रशांत को वो रेसिपी बहुत पसंद आई है, तो मुझे लगता है मम्मी पापा को भी पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी। इनफैक्ट अच्छी रेसिपी है, और मतलब अच्छी और डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है वैसे बाय द वे। तो वो सब मैंने तैयारी कर ली है। और पानी पूरी का ना मैंने पानी नहीं बनाया है, अभी सबसे पूछूंगी अगर पानी पूरी खाने का दिल करा तो। पूरी तो आंटी बना के रख गई है, लेकिन मीठी सॉल्ट मेरे पास तैयार है, तो उसी से मीठा पानी बना लूंगी। अब बात आती है खट्टे पानी की, तो खट्टे पानी का मैंने अभी तैयारी नहीं करी है। मैं सोच रही हूँ जब सब लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोगों को मन कर रहा है खाने का, तभी मैं पानी पूरी पानी बना लूंगी फटाफट, ये सोच रही थी। और मिनी को भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा समझाया है, तो वो अब थोड़ी थोड़ी मतलब अपने रिकवर कर रही है, अपने लोगों से बातचीत कर रही है, सारे फैमिली मेंबर्स वगैरह से आराम से बहुत दिन बाद आ रही है वो। हालांकि पहले राहुल जी आते थे साथ में, बहुत अच्छा लगता था, उनकी कमी महसूस ज़रूर होगी, बट मैं खुश हूँ कि मिनी धीरे धीरे अपने लाइफ में लौट रही है। और बहुत दिन बाद कोई आ रहा है घर पे, क्योंकि पूरा लॉकडाउन निकल गया, इतने दिनों से मतलब घर सूना सूना सा रहता है, और लॉकडाउन के टाइम पर या ऐसे टाइम पर हम तीन प्राणी बस घर में रहते हैं। हम लोग एक्चुअली मैं नहीं ऐसे, हम लोग मिलने जुलने वालों में से, हम लोग मतलब कभी दीदी क्या चले गए, कभी मिनी क्या चले गए, कभी वो लोग हमारे आ गए, कभी मुरादाबाद चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए। हमारी पिछले 2 महीने में हमने बहुत कुछ खोया है, उसमें सबसे ज्यादा तो राहुल जी की कमी है। तो थोड़ी देर में लेट गई थी, आधा घंटे के करीब ही लेटी होंगी, और अभी मैं सोच रही हूँ जो मैंने मैरिनेट किया था सोया चाप को, उसको चेक कर लेती हूँ कि वो कैसा हो गया है। अब तो काफी टाइम भी हो गया है, साथ में ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने भिगो कर रखे थे। तो सोया चाप तो बहुत अच्छे से देखिए मैरिनेट हो चुका है। इसको ना हल्का फ्राई करना है, जब तक ये मतलब इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा भुन ना जाए, थोड़ा सा लाल रंग में ना हो जाए, इतना भून लीजिए इसे बस तेल में। ये बाद इसे बनाना बहुत आसान है। ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो कर रखे हैं ना, इसको बस मिक्सी में चला के इसका पेस्ट बना लेना है, उसी से बस ये ग्रेवी तैयार होगी। तो ये ना व्हाइट ग्रेवी बनेगी, क्योंकि वैसे भी अफगानी मलाई सोया चाप के नाम से ही आपको लग रहा होगा थोड़ा व्हाइट ग्रेवी वाला बनेगा। अफगानी सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने भिगो कर रखे थे ना, इनको मिक्सी जार में डालकर इन्हें पीस लेते हैं, इनका जो ना एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये वाइट ग्रेवी बनाने में हमारी हेल्प करेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल गर्म हो चुका है, और जो सोया चाप हमने मैरिनेट करी थी वो हमें फ्राई कर लेनी है, जब तक वो हल्का सा रेड कलर में टर्न आउट ना हो जाए। इसी तरीके से बस इतना ही, जब ये ब्राउन हो जाए उसके बाद इन्हें निकाल लीजिए। तो अब हमें तड़के की तैयारी करनी है। तड़के के लिए हम अलग से ऑयल नहीं लेंगे, जिस ऑयल में हमने सोया चाप फ्राई करी थी उसी ऑयल को मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है, और इसी में मैंने कुछ खड़े मसाले डाले, तेजपात का पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, लौंग, इलायची, इसी तरीके से मिलाकर उसके बाद जो मैंने मैरिनेट करने के लिए पेस्ट तैयार किया था वो जो बच गया है वो भी मैंने इसी के साथ मिक्स कर दिया है। ज़्यादा कुछ हमें कुछ करना नहीं है, गैस को यहाँ पर हमें टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि हमें अब मिलाना है इसमें दही, तो दही ठंडे में ही मिलाइएगा वरना फटने का डर रहेगा। ये आधा कप के करीब दही होगा जो मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया है। अच्छे से जब दही मिक्स हो जाए तब हम इसमें वो वाला पेस्ट भी मिला देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स का बनाकर तैयार किया था, वो भी इसी के साथ मिक्स कर देना है। ये एक बड़ी कटोरी के
लगभग बन गया था, यही इसकी ग्रेवी है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है हमको। गैस को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर डाला है मैंने 3 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। सारे मसालों को चला लेना है और थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है, खुशबू है, वो वाइट ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी ऐड कर दीजिए। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा ढककर पका लीजिए जब तक ऑयल सेपरेट आउट ना हो जाए। यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट आउट होने लगा है तो मैंने इसके अंदर भुनी हुई सोया चाप भी ऐड कर दी है। यहाँ पर सारे मसाले के साथ सोया चाप को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर पानी थोड़ा सा कम लग रहा है आपको ग्रेवी में तो थोड़ा पानी आप बढ़ा सकते हैं, इस टाइम पर नमक चेक कर सकते हैं। ढककर मैं यहाँ पर पकने के लिए छोड़ रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी यम्मी अफगानी सोया चाप बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाइट ग्रेवी के साथ, आप ज़रूर ट्राई करना इसे। इसके बाद बस इसमें कुछ नहीं डालना है, ऊपर से थोड़ा सा खुशबू के लिए गर्म मसाला और डाल रही हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ती। दोनों गेम खेल रहे हैं। रुद्रेश दिखाना जरा, वो दिखाओ। तुम्हें पता भी है ना, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी बैलून बना लेती थी इससे और उड़ा देती थी हवा में। और ये बाई दावे किसने दिए तुम दोनों को ये? हाँ तो मैं बैलून बना लेती थी लेकिन बबल गम से। अब ये बताओ तुम दोनों को दी किसने ये? मैंने खुद खरीदा मेरे पैसों से। अच्छा तुम्हारे पैसे हो या किसी के पैसे, बबल गम नहीं खानी है। खुद के पैसों से खरीदी। बेटे चीटिंग कर दी। वो बेटे मुझे वो करना, तुम्हें किसको याद है बताना मेरे को। मिनी दीदी वो खाओगे पानी पूरी? खाओगे नहीं खाओगे? अभी पानी बना बनाई है आंटी ने। आंटी ने गोल 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 गप्पे, गोल 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 गप्पे खाओगे? क्या खाएगी फिर बता। समोसा कह रहा है। 8 बजे समोसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, 8 बजे खाने का टाइम होता है। क्या मीठा खाओगे बताओ? बताओ बताओ क्या खाओगे? मिनी बताओ। मम्मी को भी रसमलाई पसंद है, कशिश को भी रसमलाई। आइसक्रीम खाने के कोई भी फेवर में नहीं है। आधी से ज्यादा भैया के ऊपर, आधी भैया आधा पापा। सब लोग कहते हैं मामू, कहते हैं मामू पे गया है। और छोटी बचपन की फोटोज भी डैडी के बिल्कुल सेम, बिल्कुल मेरे जैसा है ये। यहाँ पे चल रहा है गेम पार्टी। देखो मम्मी क्या लेकर आई, मूंग की दाल की, मम्मी क्या कहते हैं इसे, बड़ी मंगौड़ी। हाँ मंगौड़ी बोलते हैं। हाँ। और इतनी छोटी छोटी है ना, मार्केट से खरीदते हैं ना हम लोग, तो इतनी बड़ी बड़ी होती है। और पता है फिर वो गलती भी नहीं है, कितनी भी विसल लगा लो उसमें, ये तो मुझे लगता है मम्मी 2-3 विसल में हो जाएंगी। हाँ बहुत अच्छी है, सूखने में ना समय लगता है ना मम्मी? नहीं ज्यादा, वैसी है ना छोटी छोटी, ज्यादा समय नहीं लगता, जल्दी 2 दिन आप सुखा लो। अच्छा अच्छा मैं बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी कैसी लगी खाने में, वैसे तो अच्छी होंगी, बहुत अच्छा है। एक डिब्बा मिल गया है मुझे, अब मुझे लगता है कि 4-5 महीने की मेरी छुट्टी हो गई है। मैं इसको ना फ्रीज में रख रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कीड़े लग जाएं। ठीक है तो मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ। थैंक यू मम्मी। मिनी दीदी को पूरा VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, नीचे लेग मसाजर। पहले मिनी और सोनी ना दोनों मारियो बहुत खेलती थी, स्कूल से आया बैग फेंका और जो टीवी वाला वो 8 मिनट का वाला गेम होता है, 8 से 4 मिनट, तो उसमें मारियो में लग जाते, टैंक मारियो ये सब खेलते थे। और पता नहीं कितने लेवल और कॉन्ट्रा और वो डक शूट, वो जो होती कौन कौन खेलता था वो वाले गेम आप बताना।
नहीं डक डक को वो डॉग आता था डक को मारना होता था ऐसे करके भागता था वो 1000 1064 हाँ वो कैसेट आती थी उसकी खट्टे से ऊपर लगती थी और कभी कभी तो किराए पे भी लाते थे बहुत शुरुआत में जब नए नए आए थे और उसके बाद में 25 रुपये पर डे पर डे या नाइट मिलता था वो उसके बाद तो फिर वो खुद ही गेम सस्ते हो गए तो सबके घर में हुए थे वो बताइएगा आप लोग कौन कौन सा गेम उसमें किसको कौन कौन सा पसंद था चलो तो कुछ प्लेन वाले भी होते थे जो शूटिंग करते थे वो वाले कौन कौन खेलता था बताना वो कौन कौन सा एक बच्चे को आप लोगों ने नाराज कर दिया है वो बच्चा देखो ऐसे लेटा हुआ है मुंह उल्टा करके फिर रुद्रांश के लिए लगाया था तुमने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है गेम और तुमने उसी को नाराज कर दिया ये गलत बात नहीं है तुमने छोटे बच्चे को नाराज करके रख दिया है रुद्रांश आ जाओ बेटा नया लेवल लगाया है दीदी ने जल्दी आओ फटाफट देख लो अब सारे लोग जो है ना टीवी पे देख लेंगे अब यूट्यूब पर जल्दी आ जाओ ऐसी गंदी बात नहीं करते आ जाओ सब खेलते हैं ना जल्दी आप खुश कोई बात नहीं ऐसे वो चलता रहता कभी तुम खेलोगे कभी मम्मी खेलेगी चल 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 कोई बात नहीं चलो भाई इसको दो कोई नहीं खेलेगा तुम लोग इतना बड़े बड़े होकर खेल रहे हो बच्चे को नहीं दे रहे हो चलो 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 हाँ चलो इसको लेवल दो अच्छा ये अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो तू दिलाएगी ना इसे पढ़ाई करे पहले अच्छे नंबर लेके आएगा पहले यूपी में पढ़ाई कर लिया मोबाइल में नहीं देगा मोबाइल मम्मी पापा रेस्ट कर रहे हैं पापा की चाय बन के आ रही है आपको मम्मी चादर कैसी लगी ये तो बहुत अच्छी है कशिश के रूम वाली भी देखी आपने नहीं कशिश के रूम की नहीं देखिए वो भी बहुत अच्छी है इसका डिजाइन बहुत यूनिक है डिजाइन भी अच्छा है कपड़ा भी अच्छा हां फ्लोरल डिजाइन है बहुत बढ़िया है अच्छी लग कपड़ा भी इसका बेहद अच्छा है ना इसका थ्रेड काउंट बहुत ज्यादा हो रहा है हां इसका थ्रेड काउंट अच्छा है थ्रेड काउंट अच्छा होता है 300 के अगर आसपास है हां बढ़िया बिल्कुल डिटो जो है बॉम्बे डाइंग की आती थी ना बिल्कुल हां वैसा ही कपड़ा भी है बॉम्बे डाइंग वाली है ना हाँ ये तो है लेकिन मोहब्बत लाल की हमने बेडशीट मंगाई थी अच्छा ऑनलाइन मंगाई थी बहुत अच्छी बेडशीट और बिल्कुल किंग साइज बेड के लिए थी बॉम्बे डाइंग की मंगाई थी दोनों तरफ चारों तरफ एक एक फिट जो है वो निकलती रहती थी जिससे कि आराम से फिट हो जाए Maybe I could have seen it all coming. That I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only Bye bye. Bye. Achha laga. Bye. Translation where nothing makes sense anymore.